ट्रेडर्स कृपया ध्यान दें, अगर आपको मार्केट में खेलना है ना, तो नीचे जो लाल लाल सब्सक्राइबर बटन दिख रहा है उसके साथ पहले खेलो, उसको दबाओ और उसके बाद आगे बढ़ो। हाय फ्रेंड्स, दिस इज संदीप अनियान एंड वेलकम टू बाजार इनसाइट। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कल के लिए यानी कि 7 फरवरी के लिए तीन इंटरेस्ट स्टॉक्स को लेकर। तो पहले बात तो यहां पर एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है जहां पर मैं मार्केट ओपन होने से पहले एशियन मार्केट किस तरह से काम कर रहे हैं, एसजीएक्स निफ्टी किस तरह से काम कर रहे हैं, इंडियन मार्केट का क्या सेंटीमेंट रहेगा, सारे चीज़ें वहां पर मैं पोस्ट करता हूं। उसके साथ निफ्टी बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो पोस्ट किया जाते हैं, मार्केट के बीच में क्या कौन सा स्टॉक कैसे परफॉर्म कर रहा है, सारे चीज़ें वहाँ पर इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस मैं पोस्ट करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उसके अंदर बने रहें। और ये टेलीग्राम चैनल एब्सोल्युटली फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिलेगा या फिर कॉमेंट सेक्शन में जाइए, पिंड कॉमेंट में पहला जो पिंड कॉमेंट आपको मिलेगा उस पर अंदर आप देखिए बहुत कुछ लिंक दिया हुआ है उसके अंदर, टेलीग्राम चैनल करके है उसके पास में जो लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट इसके अंदर ऐड हो जाइए। चल पड़ते वीडियो के ऊपर और जो पहला स्टॉक रहेगा कल के लिए उसको देख लेते हैं। तो पहला जो स्टॉक रहेगा वो एक ऑटो सेक्टर स्टॉक टाटा मोटर्स के ऊपर रहेगा। तो पहले बात तो ये है कि दोस्तों एवरी ट्रेड जो मैं यहाँ पर देता हूँ उसके पीछे कोई ना कोई लॉजिक होता है और वो लॉजिक को मैं चार्ट पे एनालिसिस करके आप लोग के सामने दिखाता हूँ, उसके बाद मेरा व्यू मेरा लेवल शेयर करता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग उस लॉजिक को समझें, क्योंकि विदाउट एनी लॉजिक किसी के लेवल के ऊपर अगर आप काम करते हैं तो आपके जो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ट्रेडिंग के इंट्राडे ट्रेडिंग के टाइम पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए वो आपके पास नहीं होता है, उसके वजह से आप सही ट्रेड को गलतियाँ करते हैं, उसके अंदर लॉस करके बैठते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि लॉजिक को समझिए, एनालिसिस को देखिए, स्किप मत कीजिए। तो ये टाटा मोटर्स का चार्ट है, आप देखिए यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, उसके बाद ये नीचे आया, यहाँ पर सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, दोबारा देखिए चैनल के ऊपर रेजिस्टेंस यहाँ पर उसके बाद देखिए यहाँ पर तो कहीं ना कहीं ये जो एरिया बन गया है यहाँ इसके ऊपर अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं, बेसिकली इस एरिया के ऊपर जो यहाँ पर हाई लगाया था 444 के ऊपर, 444 के ऊपर अगर ये जाएगा और 10 मिनट उसके ऊपर ट्रेड करेगा, आंखों से उस चीज़ को हम लोग देखेंगे, 444 के ऊपर 10 मिनट काम हो रहा है तब हम लोग उसको वहाँ से बाय करेंगे, क्योंकि सस्टेन होना ज़रूरी है। ठीक, तो लेवल कैश का दे दिया हूँ बाइंग का, सेलिंग लेवल भी मैं डिस्कस करूँगा, लेकिन उसके पहले तीन स्क्रीनशॉट यहाँ पर मैं शेयर करा हूँ, आप देख सकते हैं। पहला वाला जो आया है ये मेरा ऑप्शन प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट है, जहाँ पर मैं ऑप्शंस के ऊपर निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक ऑप्शंस के ऊपर इंट्राडे में 2 से 3 व्यू देता हूँ डेली बेसिस, बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर है, बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा है, आज भी ह्यूज प्रॉफिट हुआ हम लोगों को इसके अंदर। तो अगर आपको इसके अंदर जोड़ना है जुड़ सकते हैं, 699 पर मंथ का छोटा सा फीस है। और एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये मेरा इक्विटी स्टॉक्स इंट्राडे प्रीमियम ब्रॉडकास्ट लिस्ट, यहाँ पर मैं इक्विटी स्टॉक्स के ऊपर 1 से 2 व्यू देता हूँ डेली बेसिस, जहाँ पर आज भी हम लोगों ने बढ़िया प्रॉफिट किया। तो इसके अंदर अगर आपको जोड़ना है जुड़ सकते हैं, 599 पर मंथ का छोटा सा फीस है, बहुत सारे मेंबर्स इसके अंदर भी, हैंड होल्डिंग लाइव मार्केट सपोर्ट्स इसके अंदर आपको मिलेगा, जो भी मिलेगा लाइव मार्केट में मिलेगा। और एक स्क्रीनशॉट देखिए, ये मेरा बीटीएसटी एसटीबीटी के ऊपर है, बीटीएसटी एसटीबीटी ऑन एफएनओ यानी कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस के ऊपर बीटीएसटी एसटीबीटी करवाता हूं, अगर इंट्राडे में प्रॉफिट आ जाता है तो वहां पर स्क्वायर अप भी हो जाता है। तो आज भी हम लोगों ने इंट्राडे में लगातार यहां पर 3-4 दिनों से हम लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, ह्यूज प्रॉफिट कर रहे हैं बीटीएसटी एसटीबीटी के अंदर, बहुत सारे मेंबर्स है इसके अंदर भी, लाइव मार्केट सपोर्ट आपको मिलेगा, 899 पर मंथ का छोटा सा फीस है। तो ऑप्शंस इंट्राडे के ऊपर 699 पर मंथ का, इक्विटी इंट्राडे के ऊपर 599 पर मंथ का, और बीटीएसटी एसटीबीटी के ऊपर 899 पर मंथ का, जो भी आपको सही लगता है सूटेबल लगता है आपको तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेंबरशिप ले सकते हैं। चल पड़ते हैं वीडियो के ऊपर और सेलिंग लेवल देख लेते हैं इसका, टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स का आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद नीचे आया था, सपोर्ट लिया, उसके बाद थोड़ा कंसोलिडेशन हुआ था ये डॉटेड लाइन के ऊपर, यहाँ पर सपोर्ट लिया। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक लाइन लगा देते हैं तो आपका समझने में आसानी होगा, ये एरिया 439, तो 439 के नीचे अगर ये जाएगा, बेसिकली इस एरिया के नीचे, ये एरिया के नीचे, तो इस एरिया के नीचे अगर ये जाएगा और 10 मिनट टाटा मोटर्स 439 के नीचे ट्रेड करेगा, आंखों से देखने के बाद शॉर्ट सेल करेंगे। दोनों ही कैश का लेवल स्क्रीन पे दे दिया, अपने रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ट्रेड लीजिए। एक बात क्लियर कर देता हूं दोस्तों, यहां पर किसी भी तरह का टीप कॉल रिकमेंडेशन नहीं दिया जाता, मैं चार्ट खोल के डेली बेसिस यहां पर एनालिसिस करता हूं, उसके बाद डिटेल एनालिसिस के बाद लेवल देता हूं। सो दिस वीडियो इज प्योरली फॉर एजुकेशन एंड केस स्टडी पर्पस। सेकंड व्यू में जाने से पहले कल जो आज के लिए मैं एपिसोड डाला था सैटरडे को, उसको मैं रिव्यू कर देता हूं,
हूँ, और वो पहला स्टॉक था जील के अंदर। उसके अंदर हम लोगों का बाइंग लेवल, यहाँ पर देखिए ये लाइन को ब्रीच किया था, यहाँ पर उसके ऊपर सस्टेन हुआ था 223, मैंने बाइंग लेवल दिया था इसके ऊपर। यहाँ पर एक्टिवेशन होने के बाद ये सीधा ऊपर निकल गया, यहाँ तक ये हाई लगाया जो कि था 226 के आसपास, जो कि हम लोग का टारगेट हिट हुआ। एकदम मतलब ह्यूज प्रॉफिट दिया इसके अंदर, मतलब लगभग 1.5% के आसपास कुछ प्रॉफिट देके गया है। तो ये था पहला। सेकेंड था सिप्ला, लेकिन सिप्ला के अंदर हम लोगों का लेवल एक्टिवेशन, बाइंग सेलिंग कोई भी एक्टिवेशन नहीं हुआ था, तो ये नॉट एक्टिव था। थर्ड था JSW स्टील, उसके अंदर देखिए पहले कैंडल यहाँ पर हम लोगों का, सेकंड कैंडल में इसके नीचे हम लोगों का जो मैंने लेवल दिया था 725, उसके नीचे यहाँ पर आ गया था। आप देख सकते हैं इसके नीचे यहाँ पर सस्टेन भी हो गया, उसके बाद धीरे धीरे ये नीचे चला आया, यहाँ तक चला आया जो कि था 709, यानी कि फर्स्ट टारगेट सेकेंड टारगेट दोनों टारगेट अचीव होने के बाद भी नीचे गया, ह्यूज प्रॉफिट दिया। तो तीनों स्टॉक के अंदर जील और JSW के अंदर टारगेट हिट हुआ, सिप्ला एक्टिवेशन नहीं हुआ। अगर आपको मैच करवाना है मेरे चैनल के अंदर आप जा सकते हैं, मेरे वीडियोस के अंदर आप जाइए चैनल के, उसके अंदर देखिए 6 फरवरी यानी कि आज के लिए जो एपिसोड मैंने डाला था उसके साथ जो अभी मैंने रिव्यू किया उसको मैच। आपको ऐसे तीन व्यू डेली बेसिस प्रॉफिटेबल तीन स्टॉक डेली बेसिस पाना है, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर दीजिए, और जाने से पहले इस वीडियो को जरूर एक लाइक करके जाइए। चल पड़ते हैं सेकंड व्यू में, सेकंड जो व्यू रहेगा देख लेते हैं, और वो रहेगा हम लोगों का हिंडाल्को के ऊपर। एक मेटल सेक्टर स्टॉक है, यहाँ पर भी मैंने एक चैनल ड्रॉ किया, आप देख सकते हैं नीचे आ रहा है एक मतलब जो कि है हम लोगों का नीचे की तरफ इसका ट्रेंड है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इसने रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, दोबारा इसके अंदर रेजिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो बार बार इस चैनल के ऊपर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया जा रहा है। तो यहाँ पर अगर हम लोग एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देते हैं तो कहीं ना कहीं इस एरिया के ऊपर, इस एरिया के ऊपर 452 के ऊपर यह जाएगा और 10 मिनट उसके ऊपर ट्रेड करेगा। आंखों से देखने के बाद उसको हम लोग वहां से बाय करेंगे। सेलिंग लेवल भी मैं यहां पर शेयर करूंगा। अब देख सकते हैं यहां पर बार बार ये सपोर्ट लिया था, तो इसके नीचे अगर ये जाएगा, और ये बेसिकली ये डॉटेड लाइन के नीचे आना चाहिए 442, तो 442 इस एरिया के नीचे अगर ये आएगा और 10 मिनट उसके नीचे ट्रेड करेगा, वो चीज़ को आंखों से देखेंगे। ये बात को ध्यान से सुनिए, आप लोग करते हैं क्या, आप लोग वहाँ पर मतलब सुनते नहीं हैं, आधा सुनते हैं बाकी स्कीप करते हैं, उसके बाद लॉस करके यहाँ पर आते हैं। तो मैं बार बार बोलता हूँ सस्टेन होने दीजिए, 10 मिनट काम करने दीजिए, उसके बाद ही काम कीजिए, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का सेकंड व्यू। थर्ड व्यू में जाने से पहले स्क्रीन पे देखिए, अगर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग सीखना है, अगर आपको लगता है इंट्राडे ट्रेडिंग सीखने का ज़रूरत है, ऐसे बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये ना सीख के वो लोग प्रॉफिट कर पाएंगे, लेकिन वो घंटा होते हैं, आपको पता है कितना लॉसेस होते हैं। तो अगर आपको सीखना है इंट्राडे ट्रेडिंग के अंदर मनी मैनेजमेंट और रिस्क मैनेजमेंट के लिए, मैंने ये स्पेशली इंट्राडे मास्टर ट्रेडर बनाया है, कैसे रिस्क को मैनेज करें, कैसे इंट्राडे के अंदर काम करें, पूरा रूल है उसके अंदर, एक एक स्टेप करके मैंने यहाँ पर सिखाया है, उसके साथ स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस, उसके साथ कहाँ पर टारगेट सेट करना है, स्टॉप लॉस सेट करना है, कहाँ से एंट्री लेना है, सारे चीज़ें इसके अंदर आपको मिलेगा। और ऐसा नहीं कि मेरे टाइम के ऊपर आपको आना पड़ेगा, आपके खुद के टाइम के बेसिस पे आप इसको सीख पाएंगे। डाउट होगा, डाउट क्लियरिंग सेशन मिलेगा, लाइफ टाइम एक्सेस मिलेगा, जब भी आपको मन करेगा, जितना बार खुशी आप इस ट्रेनिंग प्रोग्राम को कर पाएंगे। और इसको ज्वाइन करने के लिए इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, और या फिर मेरा कमेंट सेक्शन में पिंट कमेंट में जाइए, यहाँ पर पहला कमेंट में ही आपको उसका लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके मस्ट इंट्राडे मास्टर ट्रेडर के अंदर आप ऐड हो सकते हैं। या फिर अगर आपको चाहे आप अगर आपको लगता है मेरा एप्लीकेशन से करना है, मेरा एंड्रॉयड एप्लीकेशन खुद का एप्लीकेशन है जो कि गूगल प्ले स्टोर में संदीप एन चक्रवर्ती नाम से ही रजिस्टर्ड है, उसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कीजिए, और उसके अंदर भी मेरे सारे कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। चल पढ़ते हैं थर्ड एंड फाइनल व्यू में, लेकिन उसके पहले छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा, डेली बेसिस आप लोगों को हेल्पिंग पर्पस यहां पर मैं आता हूं और वीडियो देता हूं, तो कोशिश कीजिए थोड़ा मुझे भी मोटिवेट करने के लिए, इस वीडियो को लाइक करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करके जाइए, 100 इस वीडियो का लाइक टारगेट है। कॉमेंट सेक्शन में लिख के जाइए कैसा लगता है ये प्रोग्राम, कुछ भी पूछना है, कोई भी सजेशन देना है दीजिए, मैं कोशिश करूंगा जवाब देने का। और जाने से पहले इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके पास में जो बेल नोटिफिकेशन उसको प्रेस कर दीजिए, और दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। चल बढ़ते हैं फाइनल व्यू में, और वो रहेगा टेलीकॉम सेक्टर स्टॉक वाटी के ऊपर, वाटी एयरटेल। यहाँ पर आप देखिए यहाँ पर बार बार इसने रेजिस्टेंस लेने के बाद हम लोग नीचे आए, लेकिन लास्ट टाइम जो ये एरिया बनाया था इसके ऊपर अगर अब ये जाएगा, यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मैं लगा देता हूँ तो इसके ऊपर आपको समझने में आसानी होगा। 795 के ऊपर जाएगा और 10 मिनट उसके ऊपर ट्रेड करेगा, आंखों से देखने के बाद उसको वहां से बाय करेंगे। सेलिंग लेवल यहाँ पर डॉटेड लाइन के ऊपर करने के बाद यहाँ पर चैनल के ऊपर लेना शुरू हो गया। यहाँ पर अगर हम लोग एक लाइन लगा
देते हैं 782 के नीचे, 782 के नीचे अगर आएगा 10 मिनट उसके नीचे ट्रेड करेगा आंखों से देखने के बाद हम लोग वहां से शॉर्ट सेल करेंगे। तो दोनों ही कैश का लेवल दे दिया हूं, यहां पर आप देख के अपने प्रीवियस कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लीजिए। और एक बात दोस्तों, एंड स्क्रीन में मैंने दो वीडियो जोड़ दिया हूं, मेरा जो ब्रेकआउट स्टॉक का वीडियो था मैं जानबूझ के नया वीडियो नहीं डाला है, क्योंकि ये जो स्टॉक मैंने दिया था इसके अंदर भी अभी भी आप पोजीशन बना सकते हैं। और मेरा जो गोल्डन ब्रेकआउट प्रोग्राम है जहां पर मैं एवरी वीक स्विंग ट्रेड के लिए स्टॉक देता हूं, निफ्टी बैंक निफ्टी एनालाइज करता हूं, बहुत ही एक प्रीमियम सर्विस है, क्या क्या बेनिफिट्स मिलेगा, कैसे उसके अंदर जोड़ना है, सारे डिटेल्स एंड स्क्रीन में मैं एक वीडियो डाल के उसके अंदर दे दिया हूं, उसको जाकर जरूर देखें। आशा करता हूं वीडियो आपको अच्छा लगा, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद जय भारत।